आइए मेरे दोस्त, एक बार फिर मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर मैं आपको एक हिंदी के मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम होगा श्लेष अलंकार में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये क्लास 9, 11 और 12 इन तीनों क्लासों के लिए ज़रूर है, यानी 9th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और 12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए श्लेष अलंकार में बताते हैं कि जब किसी कविता में एक शब्द आया हो, माने बस एक समान, माने एक ही शब्द आया हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है कि जब किसी कविता में एक शब्द आया हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आप देखिए कि माने एक शब्द आता हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण में आप कह सकते हैं कि रहिमन पानी राखिए, तो ध्यान देना, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। याद हुआ, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा आज का टॉपिक था श्लेष अलंकार। आप देख रहे हैं कि जब किसी कविता में एक शब्द आया हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार होता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में भी आप देख रहे हैं, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।